ये हमारी ऑटोकैड की ड्राइंग एक्सरसाइज 5 है जिसको हम बनाते हैं। ये मैं यहाँ पर हमारी ड्राइंग शो कर रहा हूँ। मैं ये ड्राइंग हमें बनानी है, हम बनाते हैं ड्राइंग को, जिसके हम स्टार्टिंग करते हैं पहले सर्कल से। सबसे पहले हमने सर्कल लिया 40 डायमीटर का, जो कि मैंने रेडियस लाया था। मैं 20 का रेडियस लूँगा, 20 का रेडियस। उसके बाद ऊपर की तरफ हमें 65 जाना है। नीचे की तरफ हमें 26 प्लस 24 हमें 20 50। ओके, उसके बाद हमें एक सर्कल ऊपर की तरफ बनाना है 32 मतलब 16 रेडियस का, और एक सर्कल और बनाना है जो कि 10 रेडियस का है। उसके बाद हमें नीचे भी यहाँ पर दो सर्कल बनाने हैं, एक 10 रेडियस का और एक 5 रेडियस का हमने बना दिए यहाँ पर। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में 47 इधर और 24 ऊपर। यहाँ पर हमें फिर एंटर। उसके बाद हमें यहाँ पर दो सर्कल बनाने हैं जो कि हमारे रेडियस 10 और रेडियस 7 के हैं। यहाँ तक हमारी फिगर बन चुकी है। अब एक हमें सबसे बड़ा वाला सर्कल यहाँ पर दिख रहा है 66 का डाय का, हम बनाते हैं इसको एंटर सी। 66 का रेडियस आधा 33, ठीक है। उसके बाद हमें फ्लेट लगाना है, एफ एंटर आर एंटर रेडियस, जो कि हमें 64 का लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये यह हमें यहाँ पे हमारा 64 का रेडियस बोला है और यहाँ पर नीचे बोला है 20 का रेडियस। ओके, हम 20 का रेडियस लेते हैं। हमने यहाँ पर 20 का रेडियस लिया, बढ़िया से हमारा हो गया। हम नीचे भी यहाँ पर रेडियस बोला है, एक 20 का बोला है। अगर हम देखें हमारे अकॉर्डिंग टू आर ड्राइंग, एक 20 का और एक 10 का बोल रखा है इधर, तो फिलेट इधर रेडियस रेडियस 20, इधर रेडियस 20 बोला है और इधर रेडियस 10 बोला है। इधर रेडियस 10 का हमें रेडियस 10, इधर हमें रेडियस 10 का फिलेट लगाना है जो कि हमने बढ़िया से लगा दिया। उसके बाद मैं ट्रिम कर देता हूँ ये फालतू की चीज़ें जो हैं, ये मैंने फालतू की चीज़ें ट्रिम कर दी हैं। अभी मैं बाद में करूँगा, पहले मिरर मार दूँ, उसके बाद पहले मैं मिरर ही कर देता हूँ। जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उनको मिरर हटा दी मैंने, वो मैं मिरर कर देता हूँ। MI एंटर मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए बोल रहा है नीचे, जो जो हमें मिरर करने वो ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट ये हमें पूरा चाहिए, और उसके बाद हमें ये सर्कल चाहिए। नहीं 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 सर्कल नहीं चाहिए हमें, इतना एरिया मैं पहले मिरर करता हूँ। एंटर नो, ये मेरा बढ़िया से मिरर हो गया। अब मैं ट्रिम करता हूँ जो जो मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए फालतू के। ये मैंने ट्रिम कर दिया, और ये वाले सर्कल भी हमें नहीं चाहिए, ये भी हमें ट्रिम करने हैं। ये भी ट्रिम हो गया, ड्राइंग हमारी बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि एक सर्कल बनाना है अंदर,
का, जो कि रेडियस 6 का दे रखा है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। अगर आप देखते हैं ड्राइंग में, मैं बनाता हूँ उस सर्कल को। उसके लिए पहले मुझे 6 का ऑफसेट लेना पड़ेगा, ऑफसेट वो एंटर ऑफसेट, उसके बाद 6 डालता हूँ और उसके बाद अंदर की तरफ 6 का सर्कल बढ़िया से बन गया। अब यहाँ पर मुझे सर्कल लेना पड़ेगा, ये हमारा सेंटर पॉइंट है सर्कल के लिए जो कि हमारे ड्राइंग में हमें दिख रहा है। ये मैंने क्लिक करा ये 6, उसके बाद TR एंटर ट्रिम, ये हमारा एक वो बन चुका है। अब मैं इसको पोलर एरे मार देता हूँ। अरे पोलर कितने सर्कल दे रखे हैं, 1, 2, 6 दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए चाहिए, एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, एंटर सेंटर पॉइंट, उसके बाद 6 हमारा यहाँ पर डला हुआ है क्लोज एरे। ये सर्कल हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम ट्रिम करते हैं, ट्रिम 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 ट्रिम, ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है। हमारी ड्राइंग पूरी तरीके से, ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें इन सबकी डायमेंशन लेनी है। हम इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन लेते हैं इसकी। यहाँ से यहाँ तक 65, यहाँ से यहाँ तक 26, फिर उसके बाद 24, हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 47, फिर यहाँ से भी 47। हमने लीनियर डायमेंशन तो दे दिए सबकी। अब उसके बाद हम सबके रेडियस दे देते हैं। उसके लिए हमें पहले मल्टीपल कमांड पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल, फिर उसके बाद हमें DRA एंटर, उसके बाद हम सबके रेडियस दे देते हैं 10, 7 अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, 20 64, यहाँ पर भी 64, उसके बाद यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, फिर उसके बाद ये रेडियस 6 का, फिर उसके बाद हमारे सारे रेडियस के लगभग लगभग नहीं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद हमें डायमीटर की लेनी है, उसके बाद फिर हम मल्टीपल, फिर DI एंटर, इसका हमें 32 डायमीटर दे रखा है, इसका हमें 20 दे रखा है। उसके बाद इसका हमें 40 और बड़ा वाला सर्कल हमारा 66 का। उसके बाद ये हमारा 20 का और ये हमारा रेडियस 10 का। हमारी सारी डायमेंशन कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारी ड्राइंग भी है कंप्लीट हो चुकी है।